सारे स्टूडेंट्स नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्ते। सो बच्चे किवें हो सारे? आई होप सारे ठीक होणगे। सो बच्चे लास्ट वीडियो लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया ही वैक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ बारे। सो इस वीडियो लैक्चर च आपां डिस्कस करांगे वैक्टर अलजबरा कि आपां दो जां दो तो ज़्यादा वैक्टर्स नूं किवें ऐड करते हैं। ठीक है, सो वैक्टर्स नूं ऐड करन तो पहला सो सानूं पता होना चाहिए है कि आप किसी वैक्टर नूं किस तरह रीप्रजेंट करांगे ते वैक्टर्स दीआं कीड़ी कीड़ीआं टाइप्स होंदीआं। सो लैट्स स्टार्ट। सब तो पहला साढ़े को आता है रीप्रजेंटेशन ऑफ ए वैक्टर। सो रीप्रजेंटेशन ऑफ ए वैक्टर एजी जो इसनों समझने लिए आप डिसप्लेसमेंट वैक्टर की एग्जाम्पल लवेंगे। सूँ पता है कि डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है। सब तो पहले आप रिवाइज कर लेने हैं वट इज वट अ डिसप्लेसमेंट इज। सो सपोज ये दो पॉइंट्स ने ए एंड बी। नाउ ए तो बी तक जाने लिए काफ़ी सारे रास्ते हो सकते हैं। सो ए तो बी तक इधर भी जाया जा सकता है, इस तरह भी जाया जा सकता है, देयर आर मैनी पाथ्स। सो ए रस्ते ए थ्रू भी जाया जा सकता है। ठीक है, एंड ए तो बी आप सॉरी ए तो बी आप सीधे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो डिसप्लेसमेंट की होंगी है? सो डिसप्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट जोड़ा पाथ होगा आप कहने डिसप्लेसमेंट। सो डिसप्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होंगी है। सो शॉर्टेस्ट पाथ की होया ए तो बी दे ए वाली लाइन। सो ए वाला पाथ होया शॉर्टेस्ट पाथ। सो इनू मैं कहूँगा डिसप्लेसमेंट। सो डिसप्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी भी है। एंड वी नो वैक्टर क्वांटिटी कड़िया होंगे वो क्वांटिटीज जिन्हों का मैगनीट्यूड भी होंगे एज वैल एज डायरेक्शन भी होंगी। सो डिसप्लेसमेंट का एक मैगनीट्यूड भी होगा एंड एज वैल एज डायरेक्शन भी होगी। सो आप डिसप्लेसमेंट को रीप्रजेंट किस तरह करोंगे? सो एक वैक्टर क्वांटिटी आप दो तरीके रीप्रजेंट करते हैं। एक तो होंगी है वैक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन। ओके, एंड अनदर वन वैक्टर क्वांटिटी आप सिंबोलिकली भी रीप्रजेंट करते हैं। सो फस्ट आप करते हैं वैक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन। सब तो पहले आप देखते हैं कि वैक्टर क्वांटिटी आप ग्राफिकली किस तरह रीप्रजेंट करते हैं। सो ए ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन आप वैक्टर एक डिसप्लेसमेंट वैक्टर की हेल्प देना समझांगे। सो सू पता है कि देर आर फोर डायरेक्शंस, देर आर मेनली फोर डायरेक्शंस। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नाउ सपोज यू आर एट पॉइंट ए। सो तुसी ए पॉइंट ते हो एंड तुसी ए पॉइंट तो चलना शुरू किया एंड चलते चलते पॉइंट बी ते पहुँच गए। ठीक है, सो नाउ देखो ए ते बी पॉइंट दे विच ए की होया एक शॉर्टेस्ट पाथ ते इस करके इनू मैं कहूँगा डिसप्लेसमेंट। सो तुसी की कीती ए तो बी पॉइंट तक डिसप्लेसमेंट की। सपोज जो तुसी पाथ कवर किया वो है 5 meters। ठीक है, सो जरा तुम्हें पाथ कवर किया है इनू मैं कहांगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसप्लेसमेंट। सो मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड कितना है थे 5 meters। डिसप्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की होया 5 meters। सो डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है। सो दैट मीनस यदि एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए है। सो आप हम इन डायरेक्शन किस तरह असाइन करूँगे? देखो ए तो होगा डिसप्लेसमेंट का मैगनीट्यूड की ए टू बी डिसप्लेसमेंट ने 5 meters। सो देखो हम आप डायरेक्शन किस तरह असाइन करांगे? सो तुम देखो ए टू बी वाल जा रहे हो, किस डायरेक्शन जा रहे हो? सो डायरेक्शन नोट करो,
सो राइट साइड पे किया ईस्ट डायरेक्शन, सो ए तो बी तो ही के डायरेक्शन से जा रहे हो ईस्ट। सो मैं डायरेक्शन असाइन करने लिए मैं की करूंगा इतने एक एरो हेड लगा देगा, ठीक है। सो मैं की लगाता एक एरो हेड। सो ये जो एरो है, ये जो एरो है ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो वैक्टर आप ग्राफिकली ग्राफिकली रीप्रजेंट करते हैं एक एरो के नाल, ओके। सो वेट ए मिनट, सो एरो का जितों तुम्हें चलना स्टार्ट किया है, सो इस पॉइंट में आप कहने इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओके। एंड जित तक तुम चले इन आप कहने एंड पॉइंट कह लो, जो ये भी कह लें टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। सो मैं दोबारा लिखता है ताकि साफ साफ। सो तुसी ए तो बी तक डिस्प्लेसमेंट की, सो उस डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड है 5 मीटर एंड उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की है ईस्ट। डायरेक्शन रीप्रजेंट करने लिए मैं कि लगाता है एक एरो हैड। सो ये एरो है, एरो कंप्लीटली रीप्रजेंट करता है ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन ऑफ ए वैक्टर विच इज डिसप्लेसमेंट, ओके। सो ग्राफिकली रीप्रजेंट, सो ग्राफिकली आप वैक्टर रीप्रजेंट करते हैं एक एरो के नाम ना। सो जो एरो की लेंथ है वह रीप्रजेंट करती है किसी भी वैक्टर के मैगनीट्यूड में। सो अगर मैं कोई छोटा वैक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, सो दैट मीन्स ओदा जो मैगनीट्यूड है वो भी स्मॉल होगा, से 2 मीटर, सो ओदा मैगनीट्यूड भी स्मॉल होगा। अगर मैं कोई वड्डा वैक्टर ड्रॉ करूँगा ओदा मैगनीट्यूड भी ज़्यादा होगा। सो जिन्नी किसी एरो की लेंथ ज़्यादा दैट मीन्स ओदा मैगनीट्यूड भी ज़्यादा, ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये सारे वैक्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट मैगनीट्यूड से। सो यदा मैगनीट्यूड घट है क्योंकि यदि लेंथ घट है, यदा मैगनीट्यूड ज़्यादा ये तो ज़्यादा, यदा ये तो ज़्यादा, यदा ये तो ज़्यादा, ओके। सो एरो दी लेंथ रीप्रजेंट करती है एरो दे वैक्टर दे मैगनीट्यूड। सो स्टूडेंट्स हूँ आप करांगे वैक्टर की सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन, आप वैक्टर लिखते किस तरह है। अगेन आप डिसप्लेसमेंट वैक्टर की हैल्प के ना समझा। सपोज यू आर एट पॉइंट ए एंड तुम ए पॉइंट तो मूव किया पॉइंट बी तक, ठीक है। सो ए बी की होगी ताकि डिसप्लेसमेंट, ठीक है। सो मैं लिखूँगा किस तरह डिसप्लेसमेंट, मैं शोर्ट लिख दा। सो डिसप्लेसमेंट की होगी ताकि ए बी, क्योंकि तुम ए तो बी गए, सो ए बी जो है वह रीप्रजेंट करेगा तेरी डिसप्लेसमेंट को ना। डिसप्लेसमेंट क्योंकि एक वैक्टर क्वांटिटी है, सो सानू ए एक डायरेक्शन भी असाइन करनी पेगी क्योंकि तुम ए तो बी वालू गए, ठीक है। सो इस एक वैक्टर क्वांटिटी दिखाने आप करूँगे इस दे उत्ते एक एरो लगा देंगे, ठीक है। सो ए होगी इनू आप कहोंगे ए बी वैक्टर, ए हो गई वैक्टर रीप्रजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी। सो किसी भी क्वांटिटी की वैक्टर रीप्रजेंटेशन किस तरह होंगी है कि जो उस क्वांटिटी लैटर रीप्रजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सो ए भी एक वैक्टर, एक वैक्टर है, ठीक है। यदि वैक्टर यदि आप सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन किस तरह करूँगे, इन लिखूंगे कि सी डी वैक्टर, जिदा आप लिखे ए वैक्टर इन कहूँगा सी डी वैक्टर। सो किस तरह करते हैं सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन, जो उन्होंने लैटर रीप्रजेंट कर रहे हैं वो उपर एक एरो लगा के, ठीक है। सो यह होगी आप कहूँगा सी डी वैक्टर। सो जरूरी नहीं दो लैटर रीप्रजेंट करते किसी वैक्टर न। सो इस वैक्टर मैं ए भी कह, इनू मैं ए वैक्टर भी कह सकता है, एक सिंगल लैटर भी किसी वैक्टर रीप्रजेंट कर सकता है, ठीक है। सो ए भी एक वैक्टर क्वांटिटी है,
बी, इन्हों मैं कहूँगा बी वैक्टर, इन्हों मैं कहूँगा ए वैक्टर। ओके सो ए भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, इन्हों मैं कहूँगा डी वैक्टर कह दूंगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। सो विलोसिटी भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, सो मैं कहूँगा विलोसिटी वी वैक्टर। ओके सो वैक्टर आप डिस्कस किया दो तरीके ने रीप्रजेंट करते हैं ग्राफिकली। सो ग्राफिकली आप वैक्टर किसी वैक्टर रीप्रजेंट करते हैं एक एरो दे नाल, ते एरो दे लेंथ रीप्रजेंट करता है उस वैक्टर के मैगनीट्यूड में, ठीक है। ग्राफिकली आप एक वैक्टर रीप्रजेंट करते हैं एरो दे नाल, एंड सिंबोलिकली आप वैक्टर रीप्रजेंट करते हैं लैटरस के उत्ते एक एरो लगा के इस तरह, ठीक है। सो ये भी एक वैक्टर रीप्रजेंटेशन हुई, ये भी एक वैक्टर रीप्रजेंटेशन हुई, ठीक है, ये भी एक वैक्टर रीप्रजेंटेशन हुई। ओके सो नेक्स्ट सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन दे विच ही अपना एक पॉइंट देखांगे मैग्नीट्यूड, लिख दे किस तरह अपन मैग्नीट्यूड में अपन सिंबोलिकली किस तरह लिखते हैं। सो अगेन ए बी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होया तो यदि वैक्टर रीप्रजेंटेशन हुई ए बी वैक्टर, तो यदा जो यदि सपोज जो मैग्नीट्यूड है ए तो बी तक का जो पाथ है वह हैगा 5 मीटर। सो मैग्नीट्यूड कितना होया 5 मीटर। हम आप मैग्नीट्यूड लिखोगे किस तरह, सो मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं ए बी वैक्टर के आसपास आप इस तरह लाइनस लगा देनी है, ठीक है। सो ए नू आप लिखोंगे, सो जो किसी वैक्टर के आस पास इस तरह लाइनस लगा देंगे दैट मीनस वो रीप्रजेंट कर रहा है वैक्टर के मैगनीट्यूड में। सो आप सिंपली इस तरह भी वैक्टर के मैगनीट्यूड में इस तरह भी लिख सकते हैं, तो सिंपली आप वैक्टर के मैगनीट्यूड में सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी भी सिंपल लिख सकते हैं। सो ए कितना है इतने 5 मीटर। ओके अगेन कोई एग्जाम्पल लैके समझते हैं, सपोज सो कोई परसन है वो इस ब्लॉक नू पुश कर रहा है फोर्स लगा के, ठीक है, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हैगा 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन की फोर्स लगा के कोई परसन इस बॉक्स में इधर नू पुश कर रहा है, सो फोर्स की एक मैग्नीट्यूड। सो इतने मैं फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उन्हें किस तरह लिखांगा इस तरह। सो ए रीप्रजेंट करता है फोर्स के मैगनीट्यूड में, या फिर सिंपली मैं इनू सिंपल इस तरह भी लिखूंगा वैक्टर के उपर एरो नहीं बनाना। सो दैट मीनस ए जस्ट मैगनीट्यूड में रीप्रजेंट, ये लैटर कला लैटर मैगनीट्यूड में रीप्रजेंट कर रहा है जोड़ा कि इतने 5 न्यूटन। सो रिमैम्बर अगर कोई कला लैटर आ रहा है वो दैट मीनस वो रीप्रजेंट कर रहा है मैगनीट्यूड में। सो सिंपल एक लैटर रीप्रजेंट करता मैगनीट्यूड में, एंड अगर वो उपर एरो लगा दिए तो वो रीप्रजेंट करता है एक वैक्टर क्वांटिटी में। ओके वैक्टर मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ए हो गया वैक्टर की सिंबोलिक एंड ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन। सो अपना हम एक बार देख लें की किया। सो ए वैक्टर इज रीप्रजेंटड बाई ए लाइन विद एन एरो हेड। सो वैक्टर में आप किस तरह रीप्रजेंट करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल जिदा इतने ए तो बी तक गया कोई लाए कोई परसन, ठीक है। सो डिसप्लेसमेंट होगी ए बी, ए अज तक वैक्टर नहीं बनया। सो वैक्टर कि रीप्रजेंट किया जाता, ए वैक्टर इज रीप्रजेंटड बाई, सो वैक्टर इज रीप्रजेंटड बाई ए लाइन विद एन एरो हैड। सो ए लाइन विद एन एरो हैड, सो ए होगी एक रीप्रजेंटेशन ऑफ अ वैक्टर, रीप्रजेंटेशन ऑफ वैक्टर, ठीक है। सो ये आप कर चुके हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज डिसप्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, सो एक ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी पॉइंट तक डिसप्लेस किया नॉर्थ डायरेक्शन दे विच। सो ये एरो रीप्रजेंट कर रहा वो ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन नू, वैक्टर की ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन नू कि हाँ भी वो ए टू बी गया। तो एंड एज वी डिस्कस्ड, सो जो एरो दी लेंथ है, सो एरो दी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है, वो रीप्रजेंट करती है वैक्टर के मैगनीट्यूड में जोड़ा कि इतने 5 मीटर है। तो मैगनीट्यूड में अगेन वी डिस्कस्ड किसी वैक्टर के मैगनीट्यूड में आप किस तरह लिखते हैं उस वैक्टर
ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਐਰੋ ਹੈਡ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਅਰਲੀਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। So next, these are some examples of a few vectors. So a hogi graphical representation of vector, and inu apan likhunge kis tarah ab vector. So a vi ek vector hai, inu apan likhunge kis tarah fe vector, sorry not fe, itthe ek gal da dhyan rakhna zarur, सो ए तो हो गया ना ए बी वैक्टर, सो इतों एफ ई वैक्टर नहीं कहूँगे, इन मैं कहूँगा ई एफ वैक्टर। आप स्टार्ट करना इतों स्टार्टिंग पॉइंट तो ई तो एफ तक गया, सो अपन लिखोंगे ई एफ वैक्टर, सो इन अपन लिखोंगे सी डी वैक्टर। ओके, इन मैं लिखूँगा एक्स वाई वैक्टर, सो इन मैं लिखूँगा जे के वेक्टर, सो इन मैं लिखूंगा पी क्यू वेक्टर। ओके, सो ए हो गए फ्यू वेक्टर्स, सो ए जो ये लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर दे मैग्नीट्यूड में। ठीक है, एक गल मैं दसना भूल गया कि किसे अगर ये क्वांटिटी जो अगर ये एरो सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा किसी वैक्टर क्वांटिटी नू ए बी, सो जो ए पॉइंट हुंदा है उन्हू मैं करना है उन्हू मैं कहांगा द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इतों वैक्टर स्टार्ट होया इतों इनिशियल पॉइंट, एंड इनू मैं कहूँगा टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट कह लो, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। सो हमेशा आप जो एक वैक्टर क्वांटिटी लिखना है रिप्रजेंट करना है वो आप लिखोंगे इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट वाले, सो इन मैं लिखूंगा ए बी वैक्टर, इस करके मैंने लिखा ई एफ वैक्टर। ओके, सो ये तो हो गया सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्टर्स। सो नैक्सट आ जाता साढ़े को टाइप्स ऑफ वैक्टर्स, टाइप्स, सो वैक्टर दी टाइप्स होंगे, सो फस्ट टाइप मेरे को आ जाती है इक्वल वैक्टर्स। सो जिमें कि ना तो ही लग रहा है वो वैक्टर्स जिन्हों का मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन सेम हो, सो वो वैक्टर्स जिन्हों का मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन सेम हो उन्होंने मैं कहूँगा इक्वल वैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक वैक्टर है, यह है ए वैक्टर है, ये मेरे को बी वैक्टर है, एंड ए मेरे को सी वैक्टर है, सो इन तिना वैक्टर्स में मैं कहूँगा इक्वल वैक्टर्स। क्यों? बिकॉज इन्हों का मैगनीट्यूड इन्हों की लेंथ सेम है, मैगनीट्यूड सेम है, एज वैल एज इन्हों की डायरैक्शन भी सेम है, एक सेम डायरैक्शन पॉइंट कर रहे हैं, सो ये हो गए इक्वल वैक्टर्स। सो ये आप होर एग्जाम्पल लेंगे, सपोज इतने थोड़े तो कोई दो स्टूडेंट्स ने, सो पहला स्टूडेंट्स में आप कह देने राम, दूसरे स्टूडेंट में मैं नाम देना शाम, सो दोनों ने ईस्ट डायरेक्शन वालू रनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, नाउ अगर राम एंड शाम सेम डायरेक्शन वालू जा रहे हैं तो दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वह भी सेम है, तो दैन उन्होंने जो डिसप्लेसमेंट वैक्टर्स होने उन्होंने मैं कहूँगा इक्वल वैक्टर्स। सपोज राम जोड़ा है वो 2 किलोमीटर डिसप्लेसमेंट करता है, एंड शाम भी 2 किलोमीटर डिसप्लेसमेंट करता है। ठीक है, एंड दोनों ही सेम डायरेक्शन डिसप्लेसमेंट करते हैं। ओके, दोनों ही, सो मैं कहूँगा कि जो ये डिसप्लेसमेंट की थी राम एंड शाम ने उन्होंने डिसप्लेसमेंट की है इक्वल वैक्टर्स। ओके, सो वो वैक्टर जिन्हों का मैगनीट्यूड तो डायरेक्शन सेम हो उन्होंने मैं कहूँगा इक्वल वैक्टर्स। नैक्सट आ गया मेरे को नैगेटिव वैक्टर्स। सो पहला ध्यान देना, एक ना स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, वो वैक्टर्स द वैक्टर्स द वैक्टर हैविंग सेम मैगनीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वैक्टर बट ड्रॉ इन ओपोजिट डायरेक्शन। सो इतों स्टेटमेंट ध्यान देना समझनी है, नैगेटिव वैक्टर का अपना कोई वजूद नहीं होंगे,
ठीक है, एक गिवन वैक्टर का हमेशा नैगेटिव वैक्टर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे को वैक्टर है ए वैक्टर, ठीक है, एदा ही मैं नैगेटिव वैक्टर ड्रॉ करूँगा, नैगेटिव वैक्टर का अपना कोई वजूद नहीं है। सो नैगेटिव वैक्टर वो वैक्टर होंगे है जेदा मैगनीट्यूड गिवन वैक्टर के बराबर होंगे है बट ओपोजिट डायरेक्शन के ड्रॉ किया होंगे है। ठीक है, सो ए हो गया मेरे को गिवन वैक्टर एंड इस वैक्टर का नैगेटिव वैक्टर होया ए वाला, सो इन मैं लिखूंगा माइनस ए वैक्टर, ए होया। सो ए माइनस ए वैक्टर की है, ए वैक्टर का नैगेटिव वैक्टर। सो इधर भी देख लो, सपोज ए मेरे को है ए बी वैक्टर, ए मेरे को ए बी वैक्टर है, ए गिवन वैक्टर है। तो जे तुमको पूछे दसो भी ए बी वैक्टर का नैगेटिव वैक्टर की होगा, सो तुम कहोगे कोई होर वैक्टर जेदा मैगनीट्यूड जेदा कि मैगनीट्यूड इस दे इक्वल होवे, यानी कि लेंथ ये इक्वल ही होवे, इसकी वैल्यू दे इक्वल होवे बट ओपोजिट डायरेक्शन दे विच ड्रॉ किया होवे। देखो ये गिवन वैक्टर, ये हो गया गिवन वैक्टर एंड ये हो गया इस गिवन वैक्टर के ओपोजिट डायरेक्शन के ड्रॉ किया वैक्टर, तो यद मैगनीट्यूड की है ये इक्वल है बट डायरेक्शन ये ओपोजिट है। ओके, सो या सो समझ लेना कि नैगेटिव वैक्टर वो वैक्टर नैगेटिव वैक्टर का अपना कोई वजूद नहीं होंगे, वो हमेशा गिवन वैक्टर के हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन के होगा तो सेम मैगनीट्यूड का होगा। नैक्सट आया मेरे को इनिशियल वैक्टर, सो बहुत ईजी है। सो ओ वैक्टर्स जिन्हों का स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट सेम हो, फॉर एग्जाम्पल इतने सपोज तीन तीन कार्स ने इस पॉइंट के उत्ते खड़ी हुई हैं। सो एक कार ने इस डायरेक्शन के मूव करना शुरू कर दिता विलोसिटी वी वन के नाल, एंड दूसरी कार ने इस डायरेक्शन मूव करना शुरू किया विलोसिटी वी टू के नाल, एंड जो तीसरी कार है उन्हें इधर मूव करना शुरू किया विलोसिटी वी थ्री के नाल। नाउ विलोसिटी की है एक वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सो तीन विलोसिटी वैक्टर आ गए। सो इतने वी वन रीप्रजेंट कर रहा फस्ट कार की विलोसिटी, वी टू रीप्रजेंट कर रहा सैकेंड कार की विलोसिटी, तो वी थ्री रीप्रजेंट कर रहे हैं थर्ड कार की विलोसिटी, ठीक है। सॉरी, सो इन्हें विलोसिटी वैक्टर का देखो स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट की ही सेम, सो इन्हें मैं कहूँगा सो ये जो विलोसिटी वैक्टर ने वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर तो वी थ्री वैक्टर एक ही ने को इनिशियल वैक्टर्स, क्यों, क्योंकि इन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इस करके मैं उन्होंने कहूँगा को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है। सो ये तो जो तीन वैक्टर्स मैं ड्रॉ किए ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए ने इन्हों मैं कहूँगा को इनिशियल वैक्टर। सपोज पहले सारे वैक्टर्स ओ पॉइंट पर ही, सो एक वैक्टर मैं इधर ड्रॉ कर दिता, सो ये हो गया मेरा ओ ए वैक्टर, दूसरा वैक्टर मैं इस तरफ ड्रॉ कर दिता ये मेरा हो गया ओ बी वैक्टर, एंड तीसरा वैक्टर मैं इस तरफ ड्रॉ कर दिता वो हो गया मेरा ओ सी वैक्टर। सो इत्थे जिहड़ा ओ ए वैक्टर है ते ओ बी वैक्टर है एंड ओ सी वैक्टर है तिना वैक्टर्स का इनिशियल पॉइंट की है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इस करके मैं उन्होंने कहूँगा को इनिशियल वैक्टर जिन्हों का स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट सेम है। अंडरस्टूड। नैक्सट आ गया मेरे तो कोलीनियर वैक्टर, कोलीनियर वैक्टर। सो वैक्टर्स हैविंग इक्वल और अनईक्वल मैगनीट्यूड विच एक्ट ईदर अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइंस। सो समझ दे दा मतलब की है, सपोज ए मेरे को वैक्टर है एक ए वैक्टर, एंड इस दे अलोंग ही एक होर वैक्टर है बी वैक्टर, ठीक है। सो देखो दोनों वैक्टर जड़े है गए, दोनों वैक्टर इक्को लाइन के विच ने,
इन्हों मैं कहूँगा कोलीनियर वैक्टर्स। ठीक है, इन्हों का वैक्टर्स का मैगनीट्यूड जोड़ा होगा वो इक्वल भी हो सकता है तो नहीं भी हो सकता। ओके, डायरेक्शन एक दूजे तो ओपोजिट भी हो सकती है तो सेम भी हो सकती है। सो इन्हों मैं कहूँगा कोलीनियर वैक्टर्स। अच्छा, इतने मैं एक होर वैक्टर ड्रॉ करता है, उपर करता है, इन्हें मैं ना दिता सी वैक्टर। ओके, सो ए ते सी ए भी इन्हों मैं कहूँ ए भी कोलीनियर वैक्टर्स ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दूजे के पैरल लाइनस के एक्ट कर रहे हैं। सो बी ते सी भी कोलीनियर वैक्टर्स ने। सो तिने मैं कहूँगा ए बी सी भी कोलीनियर वैक्टर्स ने। सो पता लग्या कुछ, वो वैक्टर्स जेडे कि एक लाइनस के एक्ट करते हैं, एक लाइनस के एक्ट करते हैं, जा पैरल लाइनस के एक्ट करते हैं, उन्होंने मैं कहना कोलीनियर वैक्टर्स। ओके, इधर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल ये सारे कोलीनियर वैक्टर्स ने। सो ए सी डी वैक्टर, एफ ई वैक्टर, देखो एक ही लाइन चैक्ट कर रहे हैं ना, सो ए भी की होए कोलीनियर वैक्टर्स। नाउ देखो ए बी वैक्टर, जो ये ए बी वैक्टर है ए बिल्कुल ये पैरल है। सो ए बी वैक्टर सी डी वैक्टर एफ ई वैक्टर, सॉरी अगेन मैं तो एफ ई कहा गया, याद रखना ये एफ ई नहीं है, ई एफ वैक्टर है। ओके, सो स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट आप काउंट करना हमेशा। सो ये एफ नहीं, एफ ई नहीं है, वेट, सो एफ ई नहीं है, ई एफ वैक्टर है। सो ए बी वैक्टर सी डी वैक्टर ई एफ वैक्टर। ओके, सो अगेन ए एक्स वाई वैक्टर, ये सारे की है कोलीनियर वैक्टर। अगेन जे के वैक्टर पी क्यू वैक्टर, ये सारे की है कोलीनियर वैक्टर। सो वो वैक्टर जेडे कि एक लाइनस में एक्ट करते हैं जा पैरल लाइनस के एक्ट करते हैं, उन्होंने मैं कहूँगा कोलीनियर वैक्टर्स। इन्होंने वैक्टर्स का मैगनीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो ये हो गए कोलीनियर वैक्टर्स। सो नैक्सट आ गया जीरो ओवर नल वैक्टर। ओके, जिमें कि नाम तो ही पता लगता है जीरो, ओ वैक्टर जिहदा मैगनीट्यूड जीरो होवे एंड डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन होवे, सानू पता ही नहीं है कि डायरेक्शन की है, उन्होंने मैं उन्होंने कहूँगे जीरो और नल वैक्टर। ठीक है, सो आपां किसी जीरो वैक्टर नू रीप्रजेंट करते हैं नल, या जीरो वैक्टर नू जीरो दे उत्ते एक एरो लगा के। सो ए होगी रीप्रजेंटेशन ऑफ ए जीरो और नल वैक्टर। सो एक जीरो वैक्टर का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो हों एक दूजे ना कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि मैगनीट्यूड जीरो है। मीनस अगर इनू मैं कहूँगा इस पॉइंट को कह सकता मैं एक जीरो वैक्टर है, क्योंकि इनिशियल तो फाइनल पॉइंट है ही नहीं कोई, आप कह सकते हैं कि इनिशियल तो फाइनल फाइनल पॉइंट एक दूसरे न मैच कर रहे हैं, मिल रहे एक दूजे के नाल। ठीक है, क्योंकि मैगनीट्यूड जीरो होंदा है, इस करके आपां इन्हां कोई डायरेक्शन भी असाइन नहीं कर सकते। ओके, सो ए पॉइंट हैगा, ये आपां कह सकते हैं इत्थे की है ए एक जीरो वैक्टर नूं रीप्रजेंट कर रहा है, क्योंकि इहदी कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं। सो जीरो और नल वैक्टर वो वैक्टर है जिहदा मैगनीट्यूड जीरो होंदा है, तो डायरेक्शन कोई भी होंदी है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन। ओके,